नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट में, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। यहां पर अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है वो हो चुकी है, अब यहां पर हेमंत सोरेन भी यहां पर गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ये कह रहे हैं कि उन्हें भी अब रिहाई मिलनी चाहिए। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार का जो समय है वो बहुत कम रह गया है, और अंतिम जो चुनाव है वो 1 जून को होने, ऐसे में वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी जाकर के जिस तरीके से केजरीवाल को यहाँ पर जमानत मिली है उसे भी वहाँ पर जमानत मिलनी चाहिए, ताकि वो जनता के बीच जा सके, जनता को संबोधित कर सके और चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार कर सके। इसे लेकर के उन्होंने एक दलील दी है, मांग की है। वहीं से पूरे मामले को लेकर के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और यहाँ पर दीपांकर दत्ता की पीठ इस पर बातचीत की, हालांकि पूरे मामले को समझने की कोशिश की गई है। इसके बाद कपिल सिब्बल की तरफ से भी यही दलील दी गई है कि उनके पास इस मामले को लेकर के जो मनी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ पर जमीन घोटाले के जो मामले, इस पर अभी जो आरोप है वो अभी यहाँ पर आरोप लगे नहीं है और ये तय भी नहीं हुए हैं, और इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो बात कही है, जो दलील रखी है, ये उनके वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि 20, 25 और 1 जून को यहाँ पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं और यही समय बच गया है, बाकी 4 जो चुनाव वो तो हो चुके हैं, ऐसे में कम से कम वो 3 जो चुनाव होने उनमें जाकर के प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को संबोधित कर सके। इसे लेकर के वो यहाँ पर जमानत मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पर 2 तारीख को यहाँ पर जाकर के दोबारा से सरेंडर कर देंगे, इसको लेकर के मांग की गई। हालांकि जब इस पूरे मामले को समझने के लिए जब ईडी से जवाब मांगा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप क्या कहते हैं, आप बताइए, तो ईडी ने यहाँ पर इसे लेकर के सख्त खिलाफ गए हैं। ईडी की तरफ से यही कहा गया कि जो भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो अगर वो बाहर निकलते हैं तो कुछ गलत हो सकता है या फिर कुछ गलत कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसे में उनका बाहर निकलना सही नहीं है। ये दलील रखी गई और ये मांग रखी गई है, ये मांग की जा रही है यहाँ पर हेमंत सोरेन की तरफ से। को बता दूंगी दर्शकों, इस समय देखिए देश में लोकसभा चुनाव का यहाँ पर 4th चरण का मतदान हो चुका है और यहाँ पर 5वें, 6ठे और 7वें चरण का ही मतदान रह गया है। ऐसे में केजरीवाल की तरह ही यहाँ पर हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि वो जाकर के यहाँ पर लोगों को जाकर संबोधित करें, चुनाव प्रचार प्रसार करें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जमानत मिली और वो जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार करें, उसी तरीके से उन्हें भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करने का मौका मिले। तो दर्शकों, कैसी लगी यह तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।